दोस्तों मेरा नमस्कार आप सभी के लिए। आज मैं इस प्रोग्राम के लिए इस फंक्शन प्रोग्राम को एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ में है आगे बढ़ाने के एक शॉर्ट सा एक विकल्प बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर प्रॉब्लम आने पर टूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम को आने पर मजबूत बन जाते हैं और दुनिया का इतिहास बदल देते हैं। मैंने एक चीज को देखा और उसको पाया और वास्तविकता जो रिजल्ट था। आज जो भी हम बात करेंगे ब्रैंक के ऊपर बात करेंगे, आखिरकार हमारे ब्रेन की क्वालिटीज क्या है, एबिलिटीज क्या है, ब्रेन काम कैसे करता है। हमारे बचपन के अंदर बच्चों के माइंड के अंदर एक चीज डाल दी जाती है कि बच्चा गणित में कमजोर है, गणित में कमजोर है। माँ और बाप कहता है बेटा आप गणित में कमजोर, और बच्चा उस चीज को मानसिक रूप से मान लेता है कि वास्तव में कमजोर हूं, और वो आने वाले 10th 12th के अंदर ये ग्रेजुएशन में कंप्लीट गणित में वीटी बन जाता है। मानसिक स्थिति को जो सिग्नल दिया वही हमारे माइंड ने माना। क्या आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हो, समझते हो? क्या आप अपनी ताकत और टैलेंट को समझते हो? क्या अपनी रियल पावर को मानते हो? ये जो प्रोग्राम का सिस्टम बैठा हुआ है, जो आज ये प्रोग्राम एक बन रहा है, ये आपकी एक स्थिति एक नई पहचान बनाने वाला है। ये पहचान आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। एक कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी जिंदगी का, एक नाम आपकी जिंदगी का, एक कैरियर आपकी लाइफ के अंदर, हर चीज का फंडा क्लियर होगा। बस आपको बना रहना है हमारे साथ में बहुत डीपली और सीरियसली। मोस्टली हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को हम मानते नहीं है, लेकिन जानते बहुत अच्छी तरीके से है, समझते भी है, हर कुछ जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे सामने। जिस प्रॉब्लम को माइंड रूप से हमने मान लिया, समझ लिया, वो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो गई। मैं होटल के अंदर रुका हुआ था तो जब होटल वेटर ने पूछा क्या आपको चाहिए, मेरा जवाब था कि मेरा सिग्नल था कि मुझे एक फ्लेक्सिबल बहुत अच्छा शानदार डिनर लाइट व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि मेरे सामने मेरे अंदर एक ग्रेसलिन नाम का एक हार्मोन होता है, हर इंसान के अंदर होता है। जब आपको भूख लगती है तो आपका माइंड सिग्नल करता है कि आपकी इंद्रियों के लिए वार्निंग करता है, अब आपको कुछ इंजन के अंदर तेल डालना है। तो ये बॉडी आपकी इंजन है, सर्च इंजन है, आपके लिए इसका सिग्नल है। इसको समझना है, पहचानना है और सीरियसली समझना है। आज के टाइम में इस दुनिया की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, लोग क्या कहेंगे, हर इंसान एक मजाक बनाता है, जोक्स बनाता है, आपके अपने सोचते हैं, समझते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, बस सोचते हैं कि हमारा माइंड का वार्निंग क्या है, हर इंसान की मजाक बना के हर सेक्टर में देखते हैं। ये मजाक हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है। इस मजाक को हम समझे कैसे, क्या इसका रिजल्ट हमारी लाइफ में होना चाहिए, क्या असलियत क्या होनी चाहिए, क्या वास्तविकता है या नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। हर चीज के पीछे एक ना एक चीज छुपी होती है, जो छुपी होती है उस चीज को हम तलाशते नहीं है, जो बाहर फैली होती है उन चीजों को सर्च करते हैं। यदि हमने छुपी हुई चीज को सर्च किया, पहचाना, समझा, बाहर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमारा जो माइंड का एक प्रोफाइल होता है, वर्किंग टाइप होता है, आप जानते हो, आप छोटे बच्चों को आप कहते हो कि ये काम कठिन है, ये काम कठिन है, बच्चा मान लेता है वो नहीं होगा। कभी आप जिंदगी के अंदर किसी बच्चे को ये बोलिए, क्योंकि तो बच्चे का जो आईक्यू होता है 120 के समथिंग होता है, और धीरे धीरे काम कम मिलता है, वीक मिलता है, तो आईक्यू लेस होता है, 90 पर जाता है। ये जो सामान्य आईक्यू होता है, जनरल इंटेलिजेंस क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को आने के बाद इंसान की क्षमता जो करने की होती है सब लॉस हो जाती है, और सोचता है कि मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना। इस तरह की टेंशन को शिकार होने के बाद दुनिया भर की परेशानियां आती है। इन परेशानियों का सामना कैसे करें, आखिरकार ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। और इस समस्या का जब तक हमारे सामने इलाज नहीं होगा, जब तक हम सोचते रहेंगे, दोनों तरह से सोचेंगे, मानसिक रूप से हर चीज को मानने के लिए हम सोचते हैं। हकीकत यह है हमारे जीवन की एक सच्चाई है, कि कड़वी सच्चाई कि हम जीवन में हमें क्या चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, लेकिन हम उल्टा आज सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं और साल पूछकर उन कामों को करते हैं जो हमें जिंदगी में अनसक्सेस डालती है। क्या ऐसा आपके साथ होता है, या आपकी लाइफ के साथ ये हो रहा है?
हम हर चीज के लिए कुछ दिन स्थायी रहते हैं, कुछ दिन अस्थायी हो जाते हैं। हमारे अंदर 10 से 15 दिन हर काम के प्रति अनलिमिटेड जोश होता है, साहस होता है, करेज होता है, फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। हम जब किताबों को पढ़ने बैठते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, अध्ययन करते हैं, गुड बुक्स देखते हैं, तो कुछ देर के लिए हमारा बहुत एक्साइटमेंट के साथ पढ़ते हैं, कुछ धीरे धीरे हमारा दूसरी बुक में चला जाता है। क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता है? ये होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एकाग्रता की। आज से पहले यदि हम बैठ देखे तो महात्माओं की जो बायोग्राफी को देखे, कुछ लोग ऐसे भी थे दुनिया के शरीर पे दीमक तक चढ़ गए जिनके ध्यान भंग नहीं हुआ था। इस शरीर का जो माइंड का कनेक्ट होता है, जो एकाग्रता, लिव इन अलोन। स्वामी विवेकानंद के बारे में दुनिया में ये कहा जाता है कि जिस चीज को एक बार देख लिया उसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा होता है? क्या होता है तो हम पहचानते क्यों नहीं है? हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का कैरियर क्या है? ये हमने कैरियर बना रखा है तो इसको कब तक बना के रखेंगे? आने वाले टाइम में हमारे साथ में कब तक बना रहेगा? कितना टाइम इसमें लगेगा? कितना लॉन्ग टाइम से हम सोच रहे हैं? हमारी जिंदगी के अंदर बस विचार सोच चलते रहते हैं, हम सोचते नहीं करना क्या है, आखिर ऐसा होगा कब तक और ऐसे कब तक चलते रहेंगे। कहते हैं ना, हम जब तक चलते रहते हैं जब तक हमारे शरीर में जान होती है, लेकिन जैसे ही हम गिरते हैं तो हमें बड़ा फील होता है, असलियत समझ में आ जाती है। सच्चाई का सामना करने के लिए हमें दिखाई देता है वो पर्दा, वो स्क्रीन, वो दर्पण दिखाई देता है जिसमें हमें आंखों से फील होता है असलियत ये है और झूठ ये होती है। कहते हैं खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज की फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठों की वसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आपके अंदर की क्वालिटीज, आपकी एबिलिटीज, टैलेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जीवन का विजन मकसद क्या था और आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। ये चीजें बहुत इंपैक्ट डालती है आपकी लाइफ में, आपके लिए बहुत बड़ी पावरफुल स्ट्रांगेस्ट आपकी जिंदगी में डालती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा आखिर हमें क्या करना है, वास्तव में मेरी जिंदगी का विजन क्या था, मेरी लाइफ का मिशन क्या था और मुझे आने वाले टाइम के अंदर क्या करना था, क्या सच्चाई ये थी कि या और थी। इस चीज को पहले सोचो फिर समझो और फिर अपनी लाइफ के अंदर अपने साथ उस चीज को प्रैक्टिकल करो। हाँ सब कुछ जानते हैं लेकिन करते नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, क्वालिटीफुल है, हम अपने आसाम में किसी को समझते नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी वीकनेस है, ये हमारी वीकनेस कमजोरी है। इसके अंदर जल्दी से जल्दी परिवर्तन करो। ये परिवर्तन यदि आज जल्दी कर लिया तो आने वाले टाइम के अंदर चारों तरफ के दरवाजे ओपन होंगे और नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके समस्या को सॉल्व करो और समस्या का सॉल्यूशन बहुत जरूरी होता है। जिस दिन आपने समस्या को सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया उस दिन हर चीज सॉल्व होगी। और ये समस्याएं हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, या प्रॉब्लम्स बहुत खतरनाक होती है। इसलिए मेरा सजेशन है, एडवाइस है, जिंदगी के अंदर हर चीज को करने के लिए पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए, तभी आप उस चीज के अंदर एक्शन लो। कहते हैं हमको पाने के लिए कुछ खोना नहीं करना पड़ता है, और हमारी सोच ये होती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये वीकनेस है हमारा, आज तक हम जिंदगी में खोते आए हैं। कभी हमने ये सोचा नहीं कि हमारी लाइफ का विजन ये था, हमारा मकसद ये था। जिस दिन सोचेंगे उस दिन हमारी जिंदगी बदलाव होगा, ये परिवर्तन आज हमें जनरेट दिखाई देगा। इसलिए सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। आज के लिए